सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंकित नेगी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आयुष हेलो बोल दो। हाँ, जो चैनल बने हैं इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए, ठीक है? तो आज हम जा रहे हैं ऐसे जम्मू के लिए, ठीक है, जम्मू यात्रा के लिए। बाकी और लोग भी आने वाले हैं, ठीक है, तो लाल को ऐसे और लोग भी मिलेंगे, कौन है मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको इधर ही रहना होगा, इस वीडियो में बने रहना होगा। तो आयुष मुझे छोड़ना आया है ना? आयुष यस 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 बोलो। हाँ, तो बुक्कू छोड़ना आया है, तो छोड़ने आया है। हाँ, तो कैसा लग रहा है आयुष? तो देखिए अच्छा लग रहा है गाइस। तो मैं आता तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसा बोलो ना। तो आपको मैं दिखाऊंगा गाइस आगे पहुंच के स्टेशन में कि कौन आने वाला है। तो गाइस हम यहाँ से, ये देखो, ये छोड़ना है हमें, पापा आयुष और ये सब आज छोड़ना है। तो यहाँ से हम निकलेंगे वैष्णो देवी मंदिर जम्मू होते हुए। तो उसके लिए देखिए गाइस, बुलावा एकदम हमारा आया होगा तभी हम जा पा रहे हैं, नहीं तो एकदम से प्लान बना के तो कहाँ जा पाते मंदिर। और आयुष तुम कुछ कहना चाहते हो? माता रानी के दरबार में जा रहे हैं वैष्णो देवी, और हमारे लिए बुलावा आया है, इसलिए हमारा अचानक से प्रोग्राम बना है। और माता रानी आप सब लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और हमें छोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बड़ा वाला और बड़े का बेटा, छोटा बेटा भी आया है, मेरा नानी बुक्कू, और हम ट्रेन में सफर करेंगे आगे। फिर आपको दिखाएंगे, है ना? तो गाइस फाइनली स्टेशन पहुंच गए, आयुष हमें छोड़ना है, है ना? तो गाइस अब हम लाल कुआ के लिए हल्द्वानी स्टेशन से पहुंच गए हैं। अब हमें आगे लाल कुआ से सन्नी और मामी मिलेंगे, तो चलिए उनका वेट करते हैं। इधर अपने बैग, कौन कौन है? उस बैग को निकाल लेते हैं, उस बैग को निकाल दो, लास्ट वाला। अरे बाल बाल छोटे कर रहे हैं। चल गई लग रहा है। ये दो बैग हैं आपके? उसे थोड़ा उसे किसे खिसका दूं थोड़ा आगे। तो गाइस हम जम्मू तवी स्टेशन पहुंच चुके हैं, यहाँ पे उतर गए अभी। देखिए ये सब लोग अभी फ्रेश अभी होंगे हम लोग, तो आपको अभी यहाँ का थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं कि वहाँ पे हम रुके हैं। ये देखिए जम्मू तवी का बोर्ड है सामने, थोड़ा आपको ऐसे व्यू कराता हूँ। तो गाइस देखिए जम्मू तवी स्टेशन पहुँच चुके हैं हम, और अभी हम यहाँ से बस या कैब वैब करेंगे, यहाँ से हम कटरा को जाएंगे गाइस अभी हम। तो गाइस देखिए फाइनली जम्मू स्टेशन का बोर्ड देखिए, आप देख रहे होंगे, जो कि हम उतर चुके हैं यहाँ पे। और साथ में देखिए मेरे भैया के संग आए हम, और मामी के संग आए, मम्मी के साथ आए। तो यहाँ से हम वैष्णो देवी का यात्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके साथ आप बोलिए जय माता दी कमेंट में लिखिए, ठीक है? जय माता दी। और साथ में पता ही नहीं चला गाइस टाइम का ये होता है साथ में आने से, और इतना मजा आया ना गाइस, मैं तो सो गया, चेयर गार भी सो गया गाइस में, ये कह रहे थे देखिए अंकित सो गया करके, इतना मजा आया। अभी हम यहाँ से कटारा की तरफ को जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे भी आगे होगा हम आपको दिखाएंगे कि होटल सारे रूम जो भी लेंगे आपको सारे प्राइस बताएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस, इसी वीडियो में बने रहना होगा। तो कैसा लग रहा है फिर भैया? बढ़िया एकदम। और यहाँ से चलते हैं आगे, अभी हम यहाँ से कटरा जाएंगे,
और उसके बाद में जैसा सारी चीज़ें जो है अंकित आपको दिखाएगा, जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ तो इधर ही रहना और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना, और आपको इस वीडियो को बने रहना होगा गाइस और सपोर्ट करना होगा, है ना। आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वीडियो शेयर होगी, तभी हम ऐसे आपको नए नए कंटेंट लाएंगे, नई नई जगह का तब दिखाएंगे गाइस, ठीक है। तो जय माता दी के साथ आप कमेंट करिए, तो प्रेम से बोलो जय माता, जय माता दी। और बाकी अभी हम आपको जो है मम्मी से और बुआ से मिला रहे हैं, तो उनके पास में हम चलते हैं, चलिए। तो गाइस देखिए लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मामी हेलो बोल दो। हेलो। तो अभी हम गाइस यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। ये मामी मम्मी की तरफ को पहुँच चुके हैं और अभी हम यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होंगे, ठीक है, फिर वहाँ से आगे को बढ़ेंगे। तो मम्मी हेलो बोलो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं और हम ट्रेन से उतर के अभी हम इस समय जम्मू के स्टेशन में है। अब कटरा को जाएंगे हम और आपको आगे का व्यू दिखाते रहेंगे और माता के दर्शन भी कराएंगे। माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और जय माता। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाए और ये पकोड़े खाए और चाय पी, जिससे कि हमें एनर्जी आ गई थी। तो गाइस अब हम रेलवे स्टेशन जम्मू से बाहर निकल रहे हैं बस के लिए, क्योंकि हमें बाहर से बस मिलेगी तो फिर कटरा के लिए बस लेंगे। तो गाइस अब हम रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ को आ गए हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ से पकड़नी है बस जो कि जाती है कटरा। और यहाँ से गाइस दोनों बस मिलती है, अभी पता किया मैंने, एसी बस भी और नॉन एसी बस भी, और हम जाएंगे एसी बस में, क्योंकि थोड़ा गर्मी हो रही है गाइस यहाँ पे, क्योंकि एसी में आ रहे थे ट्रेन में कंटिन्यूस ना, तो एकदम से फिर सडनली आ जाओ एसी से बाहर तो गर्मी नहीं लगती है। तो अब तो हमें एसी बस ही लेनी होगी गाइस, इसलिए हम एसी बस पकड़ेंगे यहाँ से। और स्टेशन यहाँ से बस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, जैसे ही आप ट्रेन के स्टेशन से बाहर आओगे तो थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा इतना सा, देखिए। और इवन आपको यहाँ पर टैक्सी वैक्सी भी मिलती है ना, लेकिन टैक्सी में क्या होता है कि हम ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और सीट भी अच्छे से नहीं मिलती है गाइस, क्योंकि है ना थोड़ी कम जगह हुई बस के कंपेयरिंग में, और बैग भी हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए हमें बस में जाना पड़ रहा है गाइस। और हाँ, बस का टिकट है 150 पर पर्सन, ठीक है, ये एसी बस का बता रहा हूँ गाइस, प्राइवेट बस के लिए जो लोग आना चाहते हैं, तो चिंता मत करिए, टेंशन आपको आराम से सारी एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल हेयर, ठीक है। तो हम आगे की तरफ को बढ़ते गाइस, ठीक है, फिर आपको रास्ते का व्यू दिखाता हूँ, तो इधर ही रहना गाइस, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो थोड़ा चलने के बाद गाइस आपको ये टैक्सी स्टैंड यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए ये बोर्ड है, यहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। Thank you.
ये छोटी वाली। चलो जय माता दी बोल दो जोर से। आ जाओ आवर में साथ में बैठते हैं। तो गाइस मैं कहूँगा जब स्टेशन आप पहुँचेंगे तो ये लोग कहेंगे कि बस में सीट नहीं है, मगर आप जल्दी मत कीजिएगा, आराम से टाइम लीजिएगा, आपको बस मिल जाएगी डेफिनेटली, बहुत बस चलती है यहाँ से। गाइस फाइनली बस स्टार्ट हो चुकी है, इतना मज़ा आ रहा है ना, बस भी इतनी स्टैंडर्ड वाली है, आप यही वाली बुक कीजिएगा गाइस, देख लीजिए ये एकदम सुप्रीम है बस। और यहाँ की रोड इतनी अच्छी है ना गाइस, जम्मू की है देखिए, एकदम वीआईपी रोड, मज़ा ही आ गया है यहाँ के रोड में, है ना, काफ़ी अच्छा है जम्मू की। देखो रिजर्व बैंक तो भी है, मतलब पौधे वौधे लगा रखे बीच में, बढ़िया रोड है। तो गाइस देखिए मंदिर, ये मंदिर तो ऐसा जैसे अपना हल्दूजौड़ में नहीं है वैसा मंदिर लग रहा है, बताइए यहाँ भी वैसी मंदिर बना रखा है दोनों साइड में, खूबसूरत नज़ारे देखते रहिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और ये गार्डन और पेड़ पौधे हरियाली बहुत ही अच्छा लगेगा, मंत्रमुग्ध करने वाले हैं ये नज़ारे, आप लोग देखते रहिएगा।
तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बस चल रही थी। तो गाइस जो भी जम्मू आएंगे तो बीच में बस यहाँ पे रुकती है कटरा जाते समय, देख लीजिएगा। यहाँ पे आप स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक है ना, और थोड़ा बहुत खाना वाना कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। ये जगह यहाँ पे बस रुकेगी, तो मैंने इसे कोल्ड ड्रिंक ले ली और समोसे ले लिए और चिप्स ले लिए और थोड़ी बहुत टॉफ़ी ले ली। तो ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा गाइस। देखिए सब व्लॉग बना रहे हैं और कुछ इन्जॉय कर रहे हैं। देखिए भैया, ये भैया भी व्लॉग बना रहे हैं। भैया तो सोच रहे व्लॉग बना लेता बाद में खा लूँगा, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा खा लिया स्नैक्स हल्का सा, फिर थोड़ा बना लिया ताकि एनर्जी आ जाए, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। और देखिए एक बस भी ये है हमारी, ये वाली बस थी गाइस, ये देखिए काफ़ी बस आती है, तो बस की कोई ऐसी कमी नहीं है गाइस। यहाँ पे बहुत सारी बसें मिल जाती है आपको आराम से, तो आप जल्दी मत कीजिएगा बस में बैठने से पहले, आप देख लीजिएगा कि आप एसी वाले की बस में बैठे हैं ना, ताकि गर्मी आपको ना लगे। और गाइस ये देखिए यहाँ की रोड कितनी बढ़िया है, एकदम विदेश की तरह, एकदम फॉरेन की तरह। ये देखिए मज़ा आ गया, जम्मू की रोड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी इतनी बढ़िया होगी। और ये पहाड़ देखिए, पहाड़ तो अपने उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल के साइड के लग रहे हैं गाइस, ऐसा लग रहा है कि अपने उत्तराखंड में हूँ मैं, लेकिन ये जम्मू का है। और हम यहाँ से जाएंगे लेप्टको कटरा के लिए, और यहाँ से स्टेट श्रीनगर भी जाते हैं। गाइस देखिए हमें यात्रा कार्ड मिल चुका है, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद देखिए तीनों ने पहना है, और सनी भैया को भी मिल गया, लेकिन वो कह रहे गर्मी लग रही तो मैं जा रहा हूँ। तो हमारी यात्रा स्टार्ट होगी कल, ठीक है? तो हमें रात को बुलाया है हेलीकॉप्टर के लिए, तब जाके हमें वो टिकट मिलेगा, तब हेलीकॉप्टर हमें मिलेगा, ठीक है? तो आगे का हम आपको दिखाएंगे जैसे भी होगा गाइस, ठीक है? तो जय माता दी, तो जय माता दी बोल दो गाइस एक बार, जय माता दी। तो गाइस देखिए अब हम यहाँ पे आ गए इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन, आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो और रिजर्वेशन के लिए, और ये भोजनालय का भी है ऑप्शन यहाँ पे। और हम अब यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट थोड़ा सा, और जो इसका आप बगल में बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको स्लिप रहनी लेनी पड़ती है हेलीकॉप्टर के लिए, और यात्रा कार्ड भी आपको यहाँ से मिलता है। हाँ गाइस, तो यहाँ से हम पहले अब जाएंगे और हेलीकॉप्टर के लिए गाइस हम यहाँ पे, और ये सीसीटीवी है, पानी पीने के लिए भी, ये ठंडा पानी ठंडा वालों के लिए आता है, और गर्म पानी गर्म भी वाले के पी सकते हैं। तो ये निहाली का है, और एक होटल ये भी इसके अपोजिट साइड, ये कार्ड डाल दिया गाइस मैंने कि आप ये नंबर में कॉल करके पहले ही प्री बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ये वाला होटल नहीं मिल पाया था गाइस, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, मिल नहीं पाता है। तो गाइस मैं ये इच्छा करता हूँ कि आप पहले ही इसकी प्री बुकिंग कर लीजिएगा होटल एक, और एक सिद्धार्थ ये भोजनालय आया है गाइस। तो ये देखिए काफ़ी कारें लगी यहाँ पे, प्री बुक हो चुका है गाइस, इसलिए हमें मिल नहीं पाया। और यहाँ पे एटीएम फैसिलिटी भी राइट पे, और जहाँ से आप ये देख रहे हैं एटीएम राइट, और यहीं से टिकट काउंटर है गाइस हेलीकॉप्टर का। तो हमें यहाँ टिकट मिला, रात भर हम लगे रहे, सन्नी भाई और मैं लगे रहे यहाँ पे 7 घंटे रात भर, तब हमें जाके मिला। और गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को बोल दो नंबर लगा देगा, तो हमने बोला था तो हमें मिल नहीं पाया था, फिर उसके बाद काफ़ी मन्नत के बाद मिला तपस्या करने के बाद। और ये बगल में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड को आप ही जाएंगे, तो ये यहाँ से आप आधा वो कार्ड आप कार्ड ही मिल जाएगा आपको, जो कार्ड होता है ना कार्ड, यात्रा कार्ड है ना। और अगर यहाँ से नहीं मिलेगा आपको कार्ड, तो बाहर एक और है जो बस स्टेशन है उसके आगे, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है? तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा।